नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 न्यूज में। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में केंद्रीय मंत्री उमा भारती अपने निजी काम से नागपुर से लौटते समय जाम सावली मंदिर में हनुमान जी की पूजन अर्चन कर पचमढ़ी जाते समय अल्प प्रवास के लिए संस्कार लोन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं है। वह साथ ही साथ यह भी कहा कि भविष्य का भारत भाजपा का भारत है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय के साथ। शुरू करो। हमारा तो भाषण सुन लिया आप लोगों ने, अब उसी पे सवाल करो जो सुना है। मैडम आप आना यहाँ से पूरा बताया, उसको रिपोर्ट को बताओ, अभी बताया आप थे वहाँ, उसका सवाल करो। मैडम आप मकसद किस मकसद से इधर पे आए मैडम? आप वहाँ बताने रही थी, मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही थी। हम लोग नहीं थे मैडम, आपने पहले बोल दिया था कि प्रेस से मैं बात कल नागपुर गई थी, होशंगाबाद से सीताचंद शर्मा जी का फार्म भरवा के भैया दीप नागपुर में मनाई। मावो वैद्य जी का जो परिवार है हमारे समय के वरिष्ठ स्वयंसेवक, उनके परिवार के साथ मनाती हूँ। फिर रात को ही मैं आ गई थी जाम सामली, तो जाम सामली जी के हनुमान जी को मत्था टेका। और 2003 में भी चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत वहीं से की थी। आज भी यही मनोकामना करके सवेरे वहाँ से चली हूँ कि मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं गंगा का कार्य करने में सफल हूँ। अभी यहाँ से निकली तो भोजन करने का समय था, तो हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की भोपाल से सूचना आई कि यहाँ पर मैं रासिया में खुले रुक लूँ, भोजन कर लूँ और आप लोगों से मिलूँ। ताराचंद बावरिया जी के लिए भी मैंने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि सब रख के काम करिए और पिछली हार को विजय में बदलिए। मैडम आप इसके पहले भी यहाँ परासिया आ चुकी हैं, परासिया मैडम जिस टाइम पे आप आए थे शारदा प्रोजेक्ट के लिए आपने वहाँ ओपनिंग भी की थी वो माइंस के लिए, तो मैडम माइंस आज तक नहीं खुली। अब आपने ऐसा सवाल किया जिसकी पृष्ठभूमि मुझे याद है लेकिन क्यों नहीं हुआ ये तो मैं अभी तुरंत उत्तर नहीं दे पाऊंगी, लेकिन आपने मेरे ध्यान में एक बात लाई है तो मैं इस पर बाकी कुछ समय के बाद उत्तर दे सकती हूँ। मैडम एक सवाल, भाजपा 205 का लक्ष्य रखी वो पूर्ण कर पाए? हम 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम इसी भाव से चुनाव लड़ते हैं कि हमारा उम्मीदवार, हम किसी भी उम्मीदवार को हारने के लिए खड़ा तो करते नहीं हैं। इसलिए हमारी मनोकामना तो यही होती है कि हमारे जितने उम्मीदवार खड़े हैं सब जीतें, स्वाभाविक दूसरों दूसरों को पार हो ही जाएगा क्योंकि 230 सीटें, और हर उम्मीदवार को हमने इसी कामना से खड़ा किया है कि वो चुनाव जीते। भाजपा का चुनावी मुद्दा क्या होगा? हमारा सुशासन, और जो मैंने अभी वहाँ कहा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि कमाल यह है कि एंटी इनकम्बेंसी भाजपा के खिलाफ नहीं आई, कांग्रेस के खिलाफ आ गई, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए होती है जो प्रतिष्ठित होता है। तो हम सत्ता में प्रतिष्ठित थे और वो विपक्ष में प्रतिष्ठित थे, तो एंटी इनकम्बेंसी खाली सत्ता के खिलाफ नहीं होती, प्रतिष्ठान के खिलाफ होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि पूरे देश में और भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी आई है वो इसके लिए आई है कि वो कांग्रेस को विपक्ष के योग्य नहीं समझ रहे हैं लोग, क्योंकि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है, आलोचक की भूमिका निभाई है, निंदक की भूमिका निभाई है, जलन भरे हुए हृदय से, ईर्ष्या भरे हुए हृदय से गाली गलौज करने की भूमिका निभाई है। लेकिन विपक्ष का भी राष्ट्र के प्रति उतना ही जिम्मा होता है जितना सत्ता पक्ष का होता है। मैडम बेरोजगारी के बारे में, वो विपक्ष में होते हैं हम सत्ता पक्ष में होते हैं, लेकिन जिम्मेवारी दोनों की समान होती है, देश के लिए देश की जनता के लिए। बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में रोजगार लगे हैं, खुशहाली बढ़ी है, समृद्धि बढ़ी है। जब हम ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई में 4 गुना लंबी छलांग मार दी, तो सिंचाई की छलांग का मतलब क्या होता है? कृषि, कृषि की छलांग का मतलब होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसका मतलब क्या होता है? करोड़ों रोजगार जिनको हम काउंट ही नहीं कर रहे, उन रोजगारों को हम काउंट नहीं करते। जिस किसान के घर में सिंचाई बढ़ गई होगी उसके घर में 2 की जगह पर 4 लोगों की आजीविका बढ़ गई होगी, उसकी समृद्धि बढ़ गई होगी, उसको हम काउंट नहीं करते। काउंट हम उनको करते हैं जो जिनका सरकार में रजिस्ट्रेशन होता है। कई वो ऐसी आजीविका बढ़ती है जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता लेकिन आजीविका बढ़ जाती है।
बड़ी संख्या में किसान मैडम नाराज हैं। जनता को नाराज रहना चाहिए और राजा को हमेशा उसकी सेवा करते रहना चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो हम लोग वैसे ही नाराज होते हैं जैसे माँ अपने बेटे से नाराज होती है। नाराज भी होती है और सफलता के लिए आशीर्वाद भी दे देती है।